कि कोण P और कोण T बराबर है, हम इस कोण को लिख सकते हैं कि कोण RPQ की बराबर है RTSA। और दूसरा हो जाएगा कोण, आप ये देखते हैं पहला त्रिभुज इसको लेते हैं, इसमें भी R कॉमन है और RPQ को लेते हैं तो भी एक कॉमन है, हम ये दोनों कॉमन लिख सकते हैं, दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए ऊपर का त्रिभुज आपका बना कोण RPQ के समरूप हो जाएगा RTS। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बनाएंगे, करें त्रिभुज ए बी सी की फिगर बना हुआ है, आप देखेंगे दी गई आकृति से आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी फिगर हो गया आपका बी, नेक्स्ट ये दिया हुआ फिगर, इसमें आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ही त्रिभुज बराबर हैं तो डी ए ई कोण जो है आपका डी ए ई बराबर है डी ए बी, तो अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप रूप कर दें तो दोनों त्रिभुजों की समरूप होने पर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि AB is equal to AC, यह भुजा AB जो है वह क्या है AC के बराबर है, तो त्रिभुज की दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी क्या होती है बराबर होती है, समानुपात में विभाजित करती है, अतः AE बराबर हो जाएगा AB के, तथा AE बराबर AE, तो समरूपता के आधार पर हम इसको राइट कर सकते हैं कि AB by AB किसका अनुपात हो जाएगा AC का, तो AB by AC ये इक्वल होगा AE by AB, AB by AE, AE by AE। पुनः हम दोनों त्रिभुजों को मान सकते हैं कि दोनों का यूनिट जो है एक है, और हम इसको राइट कर सकते हैं कि AB by AC is equal to 1 BM, इसको राइट कर सकते हैं, तथा दूसरे त्रिभुज को लिख लेते हैं कि AE by AD is equal to 1, तो हम दोनों से प्रूव कर सकते हैं कि AB by AC A equal होगा AE by AD। पुनः त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ABC, तथा त्रिभुज ABC में हम प्रूव कर चुके हैं कि AB by AC A इक्वल है AE by AD। इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि AB by AC इक्वल होगा किसके, AB by AC इक्वल होगा AE by AD के, या हम ये भी कह सकते हैं कि AB by AE इक्वल होगा AC by AD, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि या AD by AB या AB by AD इक्वल होगा AC by A। तो जब दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ABE के बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, तो बराबर त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कोण DAE
कोण डीएई, यह कोण आपका डीएई वो बराबर होगा कोण बीएसी, बराबर कोण बीएसी, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण है। सबसे पहले आप देखेंगे पुनः दी गई आकृति से आपको प्रूव करना है कि कोण डीएई बराबर कोण बीएसी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को ले लेंगे, है ना, पहले अनुपात देख लिए भुजाओं का, भुजाओं का अनुपात क्या है कि एबी का वही अनुपात है जो एसी का है, तो एबी इक्वल हो गया एसी के, क्योंकि दो त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वह समूह भुजा को समविभाजित करती है, इस आधार पर एई भी इक्वल होगा एबी। पुनः मान लेते हैं कि AB और AC में दोनों का अनुपात 1 है, हम इसको राइट कर सकते हैं AB by AC is equal to 1 तथा A by AB is equal to 1, तो दोनों की यूनिट 1 ही है, इट मींस इसका मतलब है कि AB by AC और A by AB के बराबर है। अब हम अलग अलग दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ADE को और ABC को, तो हमने लिखा भुजाओं का अनुपात कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, पहले प्रूव कर चुके हैं, तो इस भुजा का भी अनुपात इस भुजा के क्या होगा, इक्वल होगा, तो इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अतः दोनों त्रिभुज बराबर हैं, अतः ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AB और CE, एक AD हो गया और एक CE, ये शीर्ष लंब जो है ना, ये समूह भुजा AB और BC पर लंब है, तो आपको प्रूव करना है, दर्शाना है पहला नंबर कि ट्रायंगल AEP, फर्स्ट के लिए बता रहे हैं त्रिभुज AEP, AEP समरूप है त्रिभुज CDP, CDP, तो हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, तो देख रहे हैं आप कोण AEP, एक ही कोण मिला, हम देखिए थोड़ा हल्का सा सेट करके आपको बता रहे हैं, दूसरा कोण हो गया CDP, दूसरा कोण AE इस त्रिभुज, तो इस त्रिभुजों में आप देख रहे हैं पहले कहा है कि यह है सी ई, इस पर क्या है लंब है, और एक एडी भी भुजा एडीसी पर लंब है, तो लंब है तो लंब क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इट मींस इसका मतलब ये होगा कि कोण ए ई पी ये बराबर होगा सी डी पी, तो आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में आप क्या लिखेंगे, ये CE लंब है तो लिखेंगे कोण AEP, कोण AEP ये बराबर होगा कोण किसके, डी पी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको सी डी पी लिखिए या पी डी सी लिखिए ना, आपका डी के बीच में आना चाहिए, देख लेते हैं कि बराबर कोण सी डी पी, सी डी पी ये दोनों इक्वल है किसके 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों से लंब है जो क्रमशः बीसी पर और भुजा एबी पर ए लंब है,
एक कोण हो गया आपका 90 डिग्री का। दूसरा कोण आप बता सकते हैं, दूसरे कोण के लिए देखिए ये दोनों भुज, ये दोनों कोण क्या हो रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं, इसको कोण को क्या कहते हैं, सिरसा अभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकल एंगल। अपोजिट वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोण सी पी डी, दूसरा हो जाएगा कोण सी पी डी, ये बराबर होगा कोण ए पी ई, कोण ए पी ई, इसको लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो गए, बराबर हो गए, सिरसा अभिमुख कोण से बराबर हो गए। तो देख रहे हैं कोण कोण हमें दो कोण मिल गए दोनों त्रिभुजों में इक्वल। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी ये समरूप होगा सिमिलियर ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी की क्या होगा, सिमिलियर होगा, समरूप होगा इस आधार पर ना। तो थेल्स प्रमेय की जो है ना, थेल्स प्रमेय की समरूप त्रिभुजों के आधार पर एंगल एंगल कोण कोण समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसमें और क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम आपको एक और बता रहे हैं, बी नंबर, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो इसमें कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, देखिए पहला है त्रिभुज ए बी डी, एक त्रिभुज ए मिल रहा है आपका और दूसरा त्रिभुज है सी बी ई और दूसरा यह त्रिभुज है आपका सी बी ई। अब इन दो त्रिभुजों में आपको दो कोण प्रूव करना है कि दोनों कोण इक्वल है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस त्रिभुज में बी सी ई में जो है यह एंगल भी जो है 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि दोनों ही भुजाएं जो है वह एक दूसरे पर सिरसलंब है, तो सिरसलंब जो होते हैं 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये बराबर होगा कोण कोण सी ई बी के या बी ई सी, बराबर कोण बी ई सी, प्रत्येक 90 डिग्री एक कोण हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का जो है बी ई सी में चलते हैं तो एक कोण मिलता है और इस त्रिभुज में चलते हैं ना तो ये कोण मिल रहा है बी, यानी कोण बी जो है दोनों त्रिभुजों की क्या है, संगत कोण है, कॉमन है दोनों में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण सी बी ई, कोण सी बी ई ए भी बराबर होगा कोण है ना सी बी ई बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए बी डी के या डी बी ए, आप कोई भी लिख सकते हैं कोण ए बी डी, दो कोण बराबर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः त्रिभुज देयरफॉर ना त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होंगे त्रिभुज सी बी ई के। इस तरह से आप इसकी ए और बी हो गया, सी और डी आप प्रूव करेंगे कोण कोण समारूप समान आनुपातिकता के आधार पर या ना साइड एंगल साइड 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 एंगल ना, पर आप इसको सी और डी प्रूव करेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक समांतर चतुर्भुज बनाने की, ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा एबी पर स्थित एक बिंदु ई है। इसमें क्या करेंगे, एडी की ई बढ़ाई गई भुजा बढ़ा दीजिएगा इसको, एक भुजा हो गई आपकी ई। बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई है और बीई भुजा भुजा जो है ना वो क्या है, सीडी को यह पर प्रतिच्छेदित करती है, सीडी को यह पर प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई एक समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ये आपको प्रूव करना है। कौन कौन सा त्रिभुज मिला आपको, देखिए त्रिभुज ए बी ई, एक त्रिभुज ए मिला आपको, ए बी ई एक ये त्रिभुज आपको प्रूव करना है, और दूसरा त्रिभुज है सी एफ बी, दूसरा हो गया सी एफ बी, इन दो त्रिभुजों को आपको प्रूव करना है। इस त्रिभुज को लेंगे एक, तो सॉल्यूशन करेंगे आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण एक बराबर होते हैं, तो आप ये जानते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या क्या इक्वल है, देखेंगे यहां पर कोण ए इक्वल होगा कोण सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गए। एक कोण आपको मिल गया इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। दूसरा आप देखेंगे कि दो समांतर रेखाओं को सर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण युग्म में बराबर होते हैं, तो हम दूसरा प्रूव कर सकते हैं कि कोण बी ए ई, कोण बी ए ई या कोण ई बराबर हो जाएगा कोण, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं कोण बी ए ई, ये बराबर होगा कोण बी सी एफ, बराबर कोण बी सी एफ, कोण ए बराबर कोण सी या कोण बी ए ई बराबर हो गया बी सी एफ के। दूसरा कोण हम प्रूव कर सकते हैं है ना कि ए बी ई कोण ए बी ई, ये कोण आपका हो गया कोण ए बी ई, ये बराबर हो जाएगा कोण बी एफ सी के, बराबर कोण बी एफ सी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है इनके एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण युग्म से ये बराबर हो गए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दोनों कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, तो हम कोण कोण समरूपता के आधार पर कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई है ना एक समरूप होंगे त्रिभुज सी एफ बी के, एंगल एंगल समरूपता के आधार पर। पुनः एक बार देखेंगे, पहले हमने आपको दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका तात्पर्य यह है कि ए बी सी डी अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी हैं बराबर होंगी और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के,
लेकिन कोण बी में ये दो कोण है, इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे कि कोण ए बी एफ ए इसके बराबर होगा कोण ए डी सी के। इसलिए हम अलग अलग त्रिभुजों को साफ करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इस जैसे त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गए, तो कोण ए इक्वल कोण सी लिख सकते हैं या कोण बी ए ई ये बराबर होगा कोण बी सी एफ के। इसी प्रकार कोण ए बी ई दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है जिनके एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों ही कोण क्या होंगे एकांतर कोण युग्म से बराबर होंगे। इस तरह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई ए समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के कोण कोण समानुपातिकता के आधार पर। एक प्रूव हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एट। इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मैसेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर जी Thank you.